समाजवादी पार्टी छोड़कर जन अधिकार पार्टी में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। आपको बता दें कि कानपुर नगर में जन अधिकार पार्टी ने अपना सिकंजा कस दिया है और अपना प्रत्याशी राजीव गुप्ता को मेयर प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। इसे देखते हुए सपा के कुछ कार्यकर्ता जो कि अभी इस अधिकार पार्टी में शामिल होकर जन अधिकार पार्टी की नीतियों में अपना कार्य करेंगे और इस बार जन अधिकार पार्टी बहुत ही तेज तर्रार मैदान में चुनाव लड़ेगी और अपना प्रत्याशी उचित बनाएगी। कार्यकर्ताओं में एक हौसला बुलंदियों को छूने का कार्यकर्ताओं के अंदर दिखा, जो कि इस पार्टी में ना तो कोई ऊंच नीच है और ना ही कोई जात पात। इस पार्टी का नारा जिसकी जितनी संख्या भारी उतना ही हिस्सेदारी। इस पार्टी का कहना है कि समान शिक्षा गरीबों को मुहैया कराएं सरकार, क्योंकि गरीब के बच्चे अब इस सरकार में पढ़ नहीं पा रहे, अब पूंजीपतियों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। और कहना है कि जाति जनगणना कराई जाए, पूरे प्रदेश में कराई जाए और कहना है कि हम सब मिलकर इस सरकार को अपने वोट के दम पर इस सरकार को हटाएंगे और अपनी जन अधिकार पार्टी का राज बनाएंगे। मौके पर उपस्थित रहे कानपुर मेयर प्रत्याशी राजीव गुप्ता, मंडल अध्यक्ष अभय कुशवाहा, जिला अध्यक्ष विजय कुशवाहा, जिला महासचिव उमेश राजवंशी, जिला उपाध्यक्ष संजय कठेरिया, जिला मीडिया प्रभारी अनुज कुमार सोनकर, अंकित पासवान, पंकज पासवान, मनीष वर्मा, विजय गौतम, विनय दिवाकर, विपिन कुमार कठेरिया, सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बारह सौ में घूमे माला पहने